हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैसे करें कंप्यूटर हेल्प यानी कि KKCH। आज आए हैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में जो बेकार के वायरस हैं या आपके लैपटॉप को जो स्लो मोशन में करते हैं उसको वो वायरस को कैसे डिलीट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज को हम ये बताएंगे कि वो होते कहाँ तो आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो पर। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप ही का फ़ायदा है, आप मेरे एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों कमेंट दोस्तों ज़रूर करें कि आपका वीडियो कैसा लगा और काम किया या नहीं किया। दोस्तों आप में वायरस हैं या नहीं आपके लैपटॉप में, मैं चेक करना चाहता हूँ। और दोस्तों शेयर भी ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोग को ये दिक्कत होती है दोस्तों कि लैपटॉप जो स्लो मोशन में चल रहा है तो उनको फास्ट करने के। दोस्तों लाइव वीडियो भी लुक करता है और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने जो आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस पर है कि हम अपने लैपटॉप की स्पीड कैसे फास्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बस यहाँ पर जाना है, यहाँ पर दोस्तों को टाइप करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज का मार्क लगा लेना है और यहाँ पे टेम्प लिखना है। दोस्तों टेम्प के बाद फिर से परसेंटेज का मार्क सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे परसेंटेज का मार्क लगा लेना है। और जैसे ही आप लगाएंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पररी फाइल, देखिए दोस्तों इसको खोलना है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने जब से मुझे ये चीज़ पता लगी ट्रिक तब से मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने कंप्यूटर को इतना फास्ट कर सकूँ। तो जैसे कि मेरे पास में बहुत दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 43 मेरे पास वायरस दोस्तों आ गए थे, पर मैंने उसको डिलीट मार दिया है। जैसे कि देखिए ये वाला जो है, ये भी मेरा वायरस इस टाइम दोस्तों है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। सिर्फ इंटर डिलीट आपको प्रेस करना है दोस्तों। ये आप समझ को आया आपको, ये जो है ये वाला दोस्तों, जो ये है आपके दोस्तों, इसको ये डिलीट आपके सामने नहीं होगा क्योंकि ये डिलीट इसलिए नहीं होगा दोस्तों, ये जो है हमारे कंप्यूटर के जो है वो एंटीवायरस हैं, नॉट वायरस, इसलिए डिलीट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले ट्रिक आपको ये करनी पड़ेगी। दोस्तों दूसरी ट्रिक जो है वो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेम्प लिखना है और यहाँ पर दोस्तों जाना है चेंज टेम्पररी इंटरनेट फाइल सेटिंग। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो भी हो दोस्तों करना है और यहाँ पे फिर से डिलीट पे पर इंटर प्रेस कर देना है। और दोस्तों ये 2 मिनट प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद दोस्तों आपको ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसी भी आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए मूव फोल्डर व्यू ऑब्जेक्ट दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक ऑप्शन दिखेगा व्यू फाइल्स। ठीक है दोस्तों, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ फाइल्स आ जाएंगी जो मेरे इंटरनेट की हैं, दोस्तों जो मैं इंटरनेट चलाता हूँ तो इसकी दोस्तों फाइल यहाँ पे आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दोस्तों इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे डिलीट मार दोस्तों मैं इंटर यहाँ पे प्रेस कर दूंगा क्योंकि उससे भी दोस्तों हमारा जो इंटरनेट की फाइल है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कोई इतनी सेटिंग करनी है दोस्तों। इसके बाद आपको इंटरफेस करना है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको इंटरफेस कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पे आपको जाना है, इस पर आपको दोस्तों कस्टम लेवल आपका नहीं चल रहा है, वो डिफॉल्ट लेवल पे जाना है दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा आपको बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अप्लाई और ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपको जो अपना PC है दोस्तों, लैपटॉप, आपको उसको रजिस्टर कर देना है। और जैसे ही आप उसको रजिस्टर करेंगे तो दोस्तों आपका जो आपने सेटिंग की थी दोस्तों, उसका जो आपको रिजल्ट है वो आपको वो मिल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, पर उससे पहले दोस्तों आपको जो है इसी तरीके से। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रहे दोस्तों, आपको कंप्यूटर में जो जाना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मूवी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मेरे में कितना दोस्तों स्पेस है या नहीं है दोस्तों। तो भाई यहाँ पे जाता हूँ, देखिए दोस्तों मेरे पास इतना स्पेस है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास दोस्तों इस टाइम
इतना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जैसे मेरे दोस्तों रेड लाइट हो चुकी है, इसका दोस्तों वार्निंग है कि आप तो ये आपकी खाली होनी चाहिए दोस्तों, इसीलिए आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। इतनी ट्रिक करने के बाद आपको दोस्तों रिस्टार्ट कंप्यूटर करना है, और उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आपका फास्ट ट्रिक कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। लेकिन हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। अगर लाइक करेंगे दोस्तों या सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है, शेयर दोस्तों ज़रूर कर दें। थैंक यू।